उसके विषय में प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम मुख्य अतिथि से दो शब्द सुन करके हम लोग केक काटने का कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन का धन्यवाद, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के भीष्म पितामह और एकमात्र आज तक के इतिहास में एकमात्र फैन फॉलोइंग डायरेक्टर, जिसको देखकर आज भी भीड़ लगती है, ऐसे डायरेक्टर आज तक कोई भी नहीं हुए हैं, वो है महेश भट्ट। और भी कई ऐसे जो दृश्य हैं जो फिल्म कैचिंग एरिया चंदन थोड़ा सा मोबाइल और हम लोग अब केक काट रहे हैं। श्री महेश भट्ट जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू महेश भट्ट। ये मुख्य अतिथि होते मुख्य अतिथि पीछे भैया पीछे न्यूज में देगा ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब इधर प्लेट रखा हुआ है, चम्मच है, प्लेट चम्मच लेके आप लोग में से खाइए। और ये कोई पेपर नहीं है, महेश भट्ट जी की तस्वीर जो है वो भी केक में बनी थी, वो खाने का ही आइटम बहुत बहुत मुबारक करते हैं। मैं आज 20 सितंबर 2018 को देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एवं निर्माता महेश भट्ट जी का जन्म है। और झारखंड में जब से लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी ने फिल्म नीति की घोषणा की, उन्होंने बाहर से लोगों को बुलाया कि यहाँ पर आकर के फिल्म का निर्माण शुरू किया जाए, इस विषय पर सबसे पहले झारखंड आने वाले व्यक्ति महेश भट्ट ही थे, जिसे ऋषि प्रकाश मिश्रा जी ने झारखंड की धरती पर लाया था। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्र में जो खूबसूरती है, आप किसी रोड में चले जाइए, झारखंड का हर रोड बम्बई के खंडाला रोड से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पतरातू चले जाइएगा तो ये आपको यूरोपियन कंट्री का लुक देगा। अगर आप नेतरहाट चले जाते हैं तो नेतरहाट में सनसेट एंड सनराइज जो है वो स्विट्जरलैंड से बेटर जगह है। तो विश्व का एक बहुत ही आकर्षक जगह झारखंड है। और महेश भट्ट जी का हम लोगों ने आज बर्थडे इसलिए मनाया कि उनकी कृपा झारखंड के लोगों पर बनी रहे और वो यहाँ पर आकर के फिल्म उद्योग को बढ़ावा दें। अच्छा जगह साजिश क्या है कि ये सब
शोषण हो रहा है वो दिखाते हैं कि हम यहाँ झारखंड के कलाकारों को लेकर काम कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, और मकसद ये रहता है उनका कि सब्सिडी उठाना। झारखंड सरकार से सब्सिडी उठाते हैं और यहाँ के कलाकार जो कि अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनको यहाँ से पलायन करना पड़ता है और वो दूसरे स्टेट में जाकर और काम की तलाश करते हैं, जबकि हमारे झारखंड में बाहर से आते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर और यहाँ से सब्सिडी ले जाते हैं और ना ही कोई कलाकार कार्य कर पाता है ना ही उसे मिलता है। तो ये एक तरह का शोषण हो रहा है, इसी के हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम एक ट्रैक पे लाना चाहते हैं सभी को, हमारे जो भी एसोसिएशन। सरकार की तरफ से आप लोग को कितना योगदान मिलता है? सरकार की तरफ से योगदान तो अभी मुख्यमंत्री ने इस पर पहल की है कि एक इसके लिए बहुत बड़ी कमेटी का गठन किया जाएगा और उस पर इस तरह का जो भी हो, जैसे हमारा एक जो एसोसिएशन है वो झारखंड सरकार से रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और सरकार चाहेगी कि इसी तरह के संगठन मिलकर इस कार्य को अंजाम दें और बाहर जो भी कलाकार जा रहे हैं उन्हें झारखंड में ही काम मिले, पर्याप्त पैसा मिले और समय और पैसा सब पर्याप्त मिले। धन्यवाद। हमारे पास क्या योजना रहेगा? मैं तो सरकार से ही ना मतलब ये कहूँगा कि अच्छी पॉलिसी बनाए। आप देख लीजिए साउथ में कितना पॉलिसी अच्छी है जो स्थानीय कलाकारों को काम, कोई शोषण नहीं हो, कुछ ये नहीं हो, स्थानीय सबसे बड़ा चीज़ है कि स्थानीय कलाकारों को आजकल एक लॉबी हो गया कि स्थानीय पिक्चर को लगने नहीं देना, स्थानीय पिक्चर को मतलब टीवी आर वाले और बाकी जो लॉबिस्ट हैं बड़े बड़े हाईजेक कर लिए हैं बड़े बड़े कलाकार, इसलिए छोटे कलाकार पनप गए। लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है, सरकार पॉलिसी बना रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि झारखंड में इसकी बहुत ही धमाकेदार शुरुआत और आने वाले दिन में अच्छा रहेगा। लेकिन ये मांग जरूर करूँगा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि छोटा नागपुरी फिल्म वो हमेशा लगे यहाँ के PVR में, मल्टीप्लेक्स में 100 मिले, ये बहुत जरूरी है। नागपुरी फिल्म, भोजपुरी फिल्म और स्थानीय कलाकार, ये मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है, ये पॉलिसी में। धन्यवाद।